कुछ लोग पराक्रमी होते हैं, कुछ लोग चरित्र संपन्न लोग पराक्रमी भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पराक्रमी लोग चरित्र संपन्न भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो पराक्रमी हैं और चरित्र संपन्न भी हैं, ऐसा महाराजा अगर कोई दिखे तो उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा कोई और नाम नहीं मिलता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य का नाम स्वराज रखा, स्व अर्थात मेरा, स्वयं का राज। अगर कोई जिक्र करे तो उसे स्वराज्य लगना चाहिए, यानी मेरा राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में सजा सुनाई, हाथ पैर काट डालो इसके। पर क्यों? क्योंकि इस राजा के पाटिल ने गरीब लड़की के साथ बदहम्बल किया। बदहम्बल यानी दुर्व्यवहार, बलात्कार नहीं। राजा के पाटिल ने सिर्फ दुर्व्यवहार किया था, बलात्कार नहीं किया। बस इतनी सी बात छत्रपति शिवाजी महाराज सह नहीं सके और उन्होंने उसी वक्त सजा सुनाई और बोले, हाथ पैर काट डालो इसके। और उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिया, हाथ पैर काट डाले उसके। उस समय महाराज की उम्र थी 16 साल। क्या संस्कार पाए होंगे 16 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज ने? माँ जीजाऊ साहिब ने पूछा, शिवाजी, उस राजा के पाटिल को जिंदा क्यों छोड़ा? उसे मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? स्त्री यानी मराठों की माँ भवानी का रूप, उसकी कद्र क्यों? जल्दी मार डालो उसे, क्यों जिंदा रखा है उसे? और छत्रपति शिवाजी महाराज विनम्र होके बोले, माँ साहेब आपकी बात सही है, मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए उसे। पर माँ साहेब, इसे मृत्यु दंड दे दिया होता तो ये बात वहीं खत्म हो जाती, पर ये हाथ पैर टूटे हुए इस अवस्था में जिंदा रहेगा अपाइज बनकर। आते जाते लोग उसकी तरफ देखेंगे और सोचेंगे, स्वराज में अगर कोई किसी औरत पर हाथ डालेगा तो उसका भी यही नतीजा होगा, उसको अपाइज कर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाएगा और वो जीते जी नरक की जिंदगी जिएगा और उसको देखने के बाद औरत के ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। माँ साहेब बोले, शिवाजी मैंने जितना तुम्हें सिखाया उससे तुम आगे निकल गए। वाह पुत्र वाह। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठा।